कितने टन तक के एसी को हम स्प्लिट एसी कह सकते हैं, और उसके बाद टू, जैसे कि हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि 220 का करंट जो हम देते हैं उसे हम स्प्लिट एसी कहाँ तक कह सकते हैं, कितने टन तक? जैसे मानिए 1 पौना टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, इतने सारे एसी होते हैं और भी ऊपर टन के होते हैं एसी, तो कहाँ तक हम स्प्लिट एसी कह सकते हैं, उसके बाद कौन सा नाम होगा उसका? तो इसके बहुत सारे नेम होते हैं जो एयर कंडीशनर होते हैं, कई तरह के एयर कंडीशनर होते हैं। तो आज कन्फ्यूजन में दूर करने वाला हूँ, आज कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो देख पाएँ। तो हम बात करते हैं टॉपिक की, कि कितने टन के एसी को हम स्प्लिट एसी कह सकते हैं और उसके बाद क्या होता है। जैसे कि मानिए 1.5 टन का एसी, चाहे इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, 1.5 टन का एसी जो कि दीवार में आप इंडोर देख सकते हैं, इस तरह से इंडोर जो लगाया जाता है दीवार में, उसे हम स्प्लिट एसी कहते हैं। चाहे वो 1.5 टन का हो, 1 टन का हो, 1.5 टन का हो, 2 टन का हो, नॉर्मली 3 टन तक के आते हैं जो कि दीवार में स्प्लिट टाइप लगाया जाता है इंडोर। अब इसके बाद की बात क्या है, अब देखिए इंडिया में तो 3 टन तो पता नहीं है, 3 टन का मैं काम नहीं किया हूँ इंडिया में, लेकिन 2 टन का स्प्लिट एसी पूरा होता है, और यहाँ सऊदी अरब में 3 टन तक के भी एसी स्प्लिट टाइप होते हैं। अब स्प्लिट और डक्ट में अंतर क्या होता है, जैसे अगर 3 टन से ऊपर चला गया, यानी कि 220 के करंट तक जो होता है वो दीवार में लगाया जाता है स्प्लिट टाइप, लेकिन 2 टन से जो 3 टन से ऊपर जो जाता है उसे हम डक्टेबल कहते हैं। अब डक्टेबल का मतलब क्या होता है, स्प्लिट और डक्टेबल में डिफरेंस क्या है? और भी सिस्टम होते हैं जैसे VRV सिस्टम और HVAC, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो ये सब डक्टेबल में आते हैं। डक्ट टाइप इनका होता है जो इंडोर होता है। अब कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये, अब इंस्टॉल तो नहीं बताऊंगा मैं, कैसे इंस्टॉल होता है ये मैं बताऊंगा, तो तब आपके समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि स्प्लिट टाइप आप देख सकते हैं, ये दीवार में लगाया जाता है जो, ये होता है स्प्लिट टाइप, और दूसरा जो होता है, अब देखिए ये 1.5 टन से लेकर के 1 टन, 2 टन और 3 टन तक के एयर कंडीशनर होते हैं, लेकिन इसके बाद जो जो हमारा डक्ट आता है, डक्टेबल एयर कंडीशनर, वो इंडोर में लगाया जाता है। और इंडोर जो लगाया जाता है आप देख सकते हैं, जैसे सेलिंग में लगाया जाता है, सेलिंग में लगाने के बाद और उसका जो एयर दिया जाता है वो डक्ट के माध्यम से दिया जाता है। जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं तो एक रूम के लिए नहीं होता है, जैसे अलग अलग रूम के लिए अलग अलग डक्ट के सहारे से मोटा मोटा पाइप उसमें डाला जाता है, उसी को डक्टिंग कहते हैं। जो आप मोटा पाइप पे देख सकते हैं, ये मोटा मोटा पाइप एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में, चौथे रूम में, पांचवे रूम में, इस तरह से बड़ी मशीन एक आउटडोर होता है जो कि कुछ बड़ा कंप्रेसर होता है, इसका 10 टन, 15 टन, 20 टन होता है। उसके बाद इंडोर अलग अलग जगह पे इंडोर दिए जाते हैं, और इसका जो डक्टेबल इंडोर होता है एक जगह पे होता है, और वहाँ से अलग अलग जगह पर इसका एयर फ्लो दिया जाता है अलग अलग रूम में, तो ये डिफरेंस होता है। और अगर नॉर्मली बात करें तो 3 टन से जब ऊपर जाता है तो ये डक्टिंग में आ जाता है, डक्टेबल एयर कंडीशनर में 5 टन के, और ये सारे 3 फेज पे काम करते हैं, यानी कि 440 वोल्ट पे काम करते हैं, और उससे जो नीचे होता है 3 टन से नीचे जो होता है वो 220 के करंट पे काम करता है, और वो स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर होता है। और ये डक्टेबल होता है 440 वोल्ट पे, 3 फेज पे काम करता है, और अलग अलग रूम में इसका डक्टिंग किया जाता है, और डक्टिंग का इंडोर आप देख सकते हैं, इस तरह का डक्टिंग का इंडोर होता है। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो सबके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ बारी बारी से, लेकिन होता है क्या कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो इस समय काम डाउन है, काम बंद हो चुका है, ठंडक का समय है, इसलिए अभी प्रैक्टिकल काम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दे पाऊँगा। तो
तो लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो देख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।